हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा के साथ। ठीक फ्रेंड्स, तो हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने प्रश्नावली एक को पूरा सॉल्व किया था। ठीक, उस पर आधारित जितने भी सवाल थे वो आपको ही करने थे सॉल्व। मैंने उस पर आधारित जितने भी सवाल थे वो करा दिए थे। ठीक, अब आ जाइए प्रश्नावली एक बी। ठीक, एक एक बार आपकी क्या होगी, एक बी होगी। तो ये भी बहुत सरल एक्सरसाइज है आपकी। सेकंड वाली भी क्या है क्वेश्चन, देखेंगे कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। जो हमारे जो संख्याएं हैं उन्हें क्या करना है, हमें गुणनफल गुणनखंड करने हैं, छोटे छोटे गुणनखंड करने हैं और उनके गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में, तो कैसे, चलिए देखेंगे। जैसे पहला नंबर है हमारा 140, तो क्या करेंगे, जैसे बंटवारा पर करते आ रहे थे, इसके पहले अभाज्य गुणनखंड निकाले क्या होगा, दो से करेंगे, दो सात 14 70 बार, दो से कर दो कितने बार, 35 बार। ठीक, और दो इतिहास और दो पंची 10, अब कहाँ से आएगा, 5 से 5 7 35 और 7 7, यानी ये क्या होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमें इनका क्या बता रहा है, गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड को क्या बता रहा है हमें, गुणनफल। तो क्या लिखेंगे, 144 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसी पर एक सवाल और देख लेते हैं, जैसे लिखा है आपका 3815, इसको भी पहले इसके गुणनखंड निकाल लो आप, क्या होगा, लास्ट इकाई का भी 5 है, इकाई का भी 5 है, यानी किससे, 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा ना, तो कर दीजिए 5 × 7 = 35, कितना बचा 3, हो जाएगा कितना 31 × 5 = 30, ये बचा 1, हो जाएगा 15, 5 × 3 = 15। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद किससे डिवाइड रहेगा, तो देखो 3 से जाता है, 3 से क्या करते हैं हम, योगफल अगर 9 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड है तो ही जाएगा, जैसे 6 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16। ठीक, तो अब देखो ये किससे जा रहा है, 3 से तो नहीं जाएगा। ठीक, 3 से नहीं जाएगा, या फिर किससे दे देंगे, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से देंगे। ठीक, 7 × 7। ठीक, अब 7 का बाद इसमें जाता नहीं, 6 में 0 लगेगा। अब 17 कितना हो जाएगा, 63, 17 कितना हो जाएगा, 63। ठीक, अब फिर 7 से लेकर देखो तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 कितना बचा हमारा, 3, यानी कितना हो गया 39, क्योंकि 7 से नहीं आएगा। अब हम किस से ट्राई करते हैं, 109 ट्राई करेंगे। ठीक, तो 109 कितने से जाएगा, तो हमारे 7 से 11, 7 × 7 = 0 और 17 = 63, 9 × 10 इकाई का 13 से जाएगा क्या, 13 नंबर नहीं जाएगा। ठीक, तो चलो उसका भी ट्राई कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आ रहा उसको भी देख ले रहे, इसका क्या निकालना है, SCM तो था, कुछ सवाल मिस्टेक हो सकती है उसमें, तो अपन अभी देख ले रहे हैं, उसके बाद आएंगे। SCM बाय LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी क्या करनी है, हमें जांच करनी है। ठीक, क्या निकालना है इनका, SCF और LCM, तो क्या किससे निकालना है आपको, आवाज गुणनखंड करके, कैसा निकालना है, आवाज गुणनखंड करके, तो करिए 26 के क्या होंगे आपके, 2 × 13 होगा कि नहीं, इसका आवाज गुणनखंड। ठीक, 91 का क्या होगा आपका, 13 × 7 91, यानी 7 × 13 7 × 13 होगा 13, इससे निकाल सकते हैं ना हम, क्या कर लेंगे हम इससे निकाल लेंगे। ठीक, ऐसे करके फिर ऐसे लिख देंगे, इनको गुणनफल के रूप में लिख देंगे। अब पहले तो हम LCM निकाल ले रहे हैं, LCM दिया होगा इनका, LCM वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन है, वो तो ले लेंगे, जो दोनों में कॉमन है 26 में और 91 में 13, तो वो तो ले लेंगे। ठीक, और जो जो बच रहा है उनका भी गुणा करना है, और क्या बचा रहा हमारा, 2, और कितना बचा हमारा, 7। अब तो सर 13 दो बार ले लो, नहीं दो बार नहीं, एक बार ही लेना है। ठीक, यानी क्या होगा, 12 × 13 = 26 और 7 का गुणा और कीजिए आप, तो क्या हो रहा है, 7 × 6 = 42 की 2 × 4 = 7, 7 × 2 = 14, 14 × 4 क्या होगा आपका, 18। ठीक, यानी कितना आ गया आपका मसापा, 142, सॉरी लसापा। अब क्या निकालना है मसापा, तो क्या करेंगे, SCF के लिए सेम प्रोसेस होती है, जैसे हमारा क्या लगा था, 2 × 13 और 7/13, तो इसका SCF वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या था हमारा, 13, क्या था हमारा, 13, यानी आपका मसापा कितना आ जाएगा, 13।
अब कोई ये गुण ले सर, मान लो जैसे मैंने लिख दिया 2 बड़े 31 या फिर 3 बड़े 5। अब तो सर इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, मान लो इन दोनों में आप कॉमन नहीं है तो क्या होगा आपका मसापा? तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो एक तो रहेगा, एक रहता है रहता, तो फिर मसापा क्या होगा आपका? एक हो जाएगा, जब दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं होगी। ठीक, तो इस प्रकार आपका जो एलसीएम था वो 182 और यह आया आपका 13। अगर इसकी जांच करनी हो, हमें क्या लिखा है जांच करनी है, जांच करनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारी पहली संख्या बड़े दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम बड़े एचसीएफ। ठीक, पहली संख्या क्या थी हमारी 26, दूसरी कितनी थी 91 बराबर। इस प्रकार यहाँ पर अविंद का एलसीएम कितना आया था 182 और एलसीएम कितना आया था हमारा इसका 13, कितना आया था 13। दोनों तरफ के गुणा करके देख लो सेम आ रहे थे, तो कीजिए 91 से कीजिए 6 और 2 और 9 6 54। ठीक, और 9 2 18 18 और 4 कितना हो जाएगा आपका, और सॉरी 18 और 5 हो जाएगा आपका 23, यानी 6 6 और 23 66 इस तरफ का मान आया। अब इस तरफ का अधिकार कर देख लो 3 6 8 3 24 और 3 1 3 3 2 5 2 8 और 1 6 6 और 8 5 कितना होता है 13, यानी कितना आ गया 23 66 23 66। यानी हम कह सकते हैं LSH बराबर क्या है RSH, यानी हमारे उत्तर की जांच क्या बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।